ईपीएस पेंशनर्स को नए साल का मिला बड़ा तोहफा। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी हो चुका है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर संसद की स्थायी समिति ने कर दिया फैसला। पेंशनर्स के हक में नया ऐलान, नई पेंशन के साथ में नए नियम भी जारी हो चुके, जिसको जानना 65 लाख पेंशनधारकों को बहुत ही जरूरी है। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ओपीएस को लेकर बड़ा ऐलान। एनपीएस के लिए गठित की गई यह कमेटी सिर्फ एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। यह मामला संसद तक चला गया है। इस माहौल को देखते हुए अब जल्द ही सरकार के द्वारा स्पष्ट फैसला लिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर जारी हो चुकी है बड़ी गुड न्यूज। अब मिलेगी कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा आपकी हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। क्या अब आपको हायर पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये सुविधा आपके लिए लागू हुई है तो कब से आपको इसका लाभ मिलेगा, कौन कौन से पेंशनधारक इसको लाभ होगा नहीं होगा, उसके बारे में जानेंगे। आखिरी पूरा हाईकोर्ट का आपकी हायर पेंशन को लेकर क्या फैसला होने वाला है। 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी के लिए तो ईपीएफओ की तरफ से क्या फैसला होने वाला है, वो भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है साथ में आपकी, यानी ओपीएस को लेकर संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन राशि का मामला। और सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का आपको फॉर्मूला, यानी कि आपकी एनपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने का सरकार ने क्या फॉर्मूला बताया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कर्मचारी और पेंशनधारक उनको नए साल में डीए को लेकर भी बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है। फिर से बढ़ेगा आपका महंगाई भत्ता। सैलरी में आने वाला है बम्पर उजार, यानी कि आपको बताएंगे उसके बारे में उछाल कितना आपकी सैलरी में आने वाला है, कितना बढ़ेगा डीए, क्या है आखिरी पूरा यानी फैसला, उसे भी जानेंगे। साथ ही यानी एनपीएस को लेकर जो संसद के द्वारा क्या आपकी ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी उसके लेकर ऐलान हुआ है। और साथ ही जो हाईकोर्ट के द्वारा हायर पेंशन है ईपीएस के पेंशनधारकों के लिए, उसके बारे में क्या ऐलान हुआ है, जो कि आप सभी ईपीएस के 65 लाख पेंशनधारक उन सभी को जाना बहुत ही जरूरी है। तो जानेंगे इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी। तो आपने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई वीडियो ऐसी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर को, तो कि आपको इसका कितना फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारक ईपीएस के पेंशनधारक उनके लिए केंद्र सरकार का आदेश, पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मोहर। अब ईपीएस 95 पेंशनधारक उनको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने आपके पेंशन की बढ़ोतरी के फैसले पर मोहर लगा दी है। तो अब आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कल शाम 5 बजे की सीबीटी की मीटिंग में लिया गया बहुत ही बड़ा फैसला। अब होगी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी। इसको लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने भी कहा है कि जो पेंशनधारकों को 1000 रुपए की पहले पेंशन मिनिमम मिलती थी, अब इस ऐलान के बाद अब आपको 9000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। यह फैसला कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में सरकार ने लिया। और इस फैसले को लेकर साथ ही कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि इस फैसले को लेकर मैं बहुत ही खुश हूं और लगातार हमारी टीम इसी को लेकर भी यानी सरकार से गुजारिश कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, यानी पेंशनधारकों के हक में सरकार ने फैसला लिया। और कल शाम 5 बजे सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लेकर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनधारक थे उन सभी की उम्मीदों को बढ़ा दिया, यानी कि आपकी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब आपको मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए की मिलेगी और साथ में आपको हायर पेंशन देने को लेकर भी अपडेट आ रहा है, यानी कि पेंशनधारक ईपीएस के उनको साथ में हायर पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। अब आपको यानी कि जल्द आपके खातों में पेंशन की राशि भी देखने को मिलेगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा आपकी पेंशन को लेकर पहली बड़ी घोषणा हुई है, जिसके अनुसार अब आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से जो मिलती थी राशि, वो बढ़कर के अब आपको 9000 रुपये की मिलेगी और साथ में आपको डीए और हायर पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। और बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर होने वाली है जो रिटायर्ड होने वाली 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी बहुत बड़ी राहत। साल 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों को उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन मिलने जा रही है। संभावना की जनवरी से उनके खाते में उच्च पेंशन की राशि भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 2014 से पहले कर्मचारी थे जिन्होंने पेंशन नहीं मिली थी, तो अब उनके लिए भी एक कानूनी लड़ाई ने एक बार फिर से यानी कि रफ्तार पकड़ ली है। क्या अब आपको यानी कि 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को क्या हायर पेंशन का लाभ मिलेगा उच्च पेंशन का, तो आइए जानते हैं विस्तार से। 2014 से जो पहले के रिटायर्ड कर्मचारी उनको ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में नहीं माना जा गया था और सरकार ईपीएफओ ने कहा है कि इस दायरे में ये नहीं आते हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। दरवाजा यानी कि एक तरह से आपकी पेंशन को लेकर 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके लिए बंद हो गए थे। लेकिन ये याचिका खारिज होते ही 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी होने वाले जो कि एक बार यानी कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है, वो कि लाचार भी हो चुके हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर भी उनके लिए आ चुकी है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। आशा कि आपकी किरण फिर से यानी कि जग गई है, क्योंकि नए सिरे से आपकी पूरी पेंशन की कानूनी लड़ाई फिर से शुरू होगी। इसकी यह संभावना जताई जा रही कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी उनका हक है वो अब उन्हें मिलेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट से मिली रात के बाद सुप्रीम कोर्ट तक होने वाली है आपके पेंशन के फैसले को लेकर लड़ाई। तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेकर क्या पक्ष रखेगा और पेंशनधारक उनको इसका कितना फायदा मिलेगा,
तो राम आगरसिंह ने कहा है कि फेडरेशन और एनसीओ से शुरू ये मांग करता रहा है शुरू से ही कि 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को जो पेंशन धारक उन लोगों को लाभ दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के जजमेंट की गलत व्याख्या की गई थी और सरकार और ईपीएफ ने गलत व्याख्या की और हम लोग शुरू से यही बात बोल रहे थे और इसी समझ को मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश ने माना। 2014 से पहले वालों जो पेंशन धारक थे रिटायर्ड उन सभी को पेंशन देने की बात कही है, यानी कि उन्हें एक बार फिर से बड़ा तोहफा मिला है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी 2014 से पहले वालों को जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनको पेंशन से नहीं रोका है। इसी बात से अब सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए एक नया यानी कि उनके लिए रास्ता बन चुका है ज्यादा पेंशन यानी कि उच्च पेंशन हायर पेंशन को लेकर। मद्रास हाईकोर्ट का अवसर या जो यानी कि जो आपकी पेंशन को लेकर होगा वो कहां तक असर होगा, जिसका फायदा पेंशन धारकों को कैसे मिलेगा, तो क्योंकि ईपीएफओ के पास दो विकल्प है, मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, वही ईपीएफओ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वैसे ही ये मामला फिर से यानी कि खुल जाएगा, ये केस है आपकी पेंशन को लेकर फिर से खुल जाएगा और नेसा तोड़ने के लिए ये गेंट है जो आपके लिए फिर से यानी कि पेंशन उच्च पेंशन की मांग को लेकर जो आपकी मांग है जो उसको फिर से सहमति मिल सकती है। अनुमान ऐसा किया जा रहा है अगर ईपीएफओ को यानी कि 90 दिनों के अंदर अपील नहीं करता है ईपीएफओ तो ये आदेश यानी कि सबके लिए मान्य हो जाएगा और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके चेहरों पर एक बार फिर से नई मुस्कान भी ला चुका है यानी कि ये फैसला और कर्मचारियों को अच्छी खासी राहत मिलेगी अगर ये फैसला होता है तो। ईपीएफओ के वकील ने बार बार ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हार चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी न पेंशन देने का मेंशन नहीं है और दूसरा विकल्प यह है कि देश में सभी हाईकोर्ट में अपील करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। याचिकाकर्ता ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई तो हमको भी यानी कि इस दायरे में लाया जाए, तो इस तरह की आपकी हायर पेंशन को लेकर अपडेट होने वाले। अब बात करेंगे संसद में आपकी मामूली पेंशन को लेकर क्या फैसला उठा है, जिसके बाद आपको पेंशन में क्या बदलाव मिलेंगे, आपकी एनपीएस ओपीएस को लेकर क्या है आखिरी पूरा फैसला। संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन राशि का यानी कि मिलने का आपका मामला, जिसमें कि सरकार ने बताया पेंशन को ज्यादा पेंशन आपको कैसे मिलेगी उसका नया फॉर्मूला। तो केंद्र सरकार के वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी यानी कि किया गया था जो कि एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग तरह से यानी कि उनका अध्ययन कर रही है। तो आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कई ऐसे भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं कि एनपीएस के तहत रिटायर्ड होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहद ही मामूली पेंशन की राशि मिल रहा है जो कि उनकी जीविका के लिए ना काफी है, यानी कि उनके जीवन जीने के लिए 1,000 रुपये 2,000 रुपये की पेंशन की राशि उन्हें बहुत ही कम मिलती है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर मांग करते हैं और उनकी अपनी मांग को लेकर हाल ही के दिनों में उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब इस बात की गूंजे वो संसद तक भी पहुंच चुकी है, यानी कि संसद तक ये आवाज पहुंच चुकी है और संसद ने इस फैसले को लेकर क्या फैसला किया, तो नेशनल पेंशन सिस्टम चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें महज 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की मंथली पेंशन मिलने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि सरकार ने बताया है कि सरकार ने संसद में कहा कि ये कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट का जो आपका एज है कम्प्लीट होने के बाद आप रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद मिलने वाले 100% कॉर्पस को एन्युटी प्लान में निवेश करें ताकि उन्हें ज़्यादा पेंशन मिले। तो सरकार ने आपकी ज़्यादा पेंशन के लिए इस फॉर्मूले को लेकर ऐलान किया है कि एनपीएस के तो जो आपको मामूली जो पेंशन मिलती है। लोकसभा सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने वित्त मंत्री प्रश्नकाल से सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कुछ राज्यों में सरकार के कर्मचारियों को जो कि एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए क्या उन्हें 1,000 रुपये 1,500 रुपये और 2,000 रुपये तक की मंथली पेंशन मिल रहा है जो कि उनके वर्तमान में रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए ना काफी है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़े ने कहा है कि पेंशन फंड पीएफआरडी एक्ट 2013 के तहत एनपीएस में योगदान पर मिलने वाला रिटर्न बाजार पर आधारित है। एनपीएस का तो योगदान करने वाले सब्सक्राइबर के हितों को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड मैनेजर बेहतर ही सावधानी से यानी कि जो योगदान करता है और पैसों को निवेश करता है जिसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। उन्होंने बताया कि पीएफआरडीए के इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक कुल एनपीएस में योगदान से बना कॉर्पस चक्रवर्ती प्रभाव के साथ ही आगे बढ़ता है। सरकार ने ज्यादा पेंशन आपको यानी कि पाने के लिए फॉर्मूला बताया है जो कि आपके लिए पेंशन फंड के तौर पर कुल जमा किए गए रकम में से 60% रकम कर्मचारियों को एक मुश्त भी दी जाती है, बाकी 40% जो आपका बचता है 40% का जो पेंशन रकम को एन्युटी प्लान में निवेश कर दिया जाता है जिस पर मिलने वाला रकम है जो हर महीने आपको ब्याज के तौर पर रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर कर्मचारी ज़्यादा पेंशन चाहता है तो रिटायरमेंट के बाद जो आपको 100% कॉर्पस है जो एन्युटी प्लान में आप निवेश कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने इस तरह का आपकी पेंशन को लेकर फिलहाल अपडेट होने वाला है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी स्पष्ट फैसला आपकी पेंशन को लेकर जारी नहीं हुआ है क्योंकि स्पष्ट तौर पर जैसा ही फैसला जारी होगा तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी का या फिर संशोधन का वो लागू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो आधिकारिक तौर पर ईपीएस और ओपीएस दोनों को लेकर कोई भी सरकार ने फैसला अभी तक जारी नहीं किया है।